मुझे तो हैरत है कि किसी का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। पता नहीं दिल बड़ा किया है या फिर दिमाग की कोई चाल है। नहीं हाजरा, उन्होंने अपना दिल बड़ा ही किया है, क्योंकि तो जितना बड़ा इल्जाम तुमने उन लोगों पर लगाया था ना, उसके बदले में तो लोग इंतकाम लेते हैं, दुश्मन की बेटी को ढूंढते नहीं है। पता नहीं मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे लगता है जैसे ये सब सुहेल की वजह से हुआ है। पहले तो तुम मुझसे कह रही थी कि फरीक को सुहेल की महबूबा ले गई है, और अब मैं गलत कह रही थी? गलत नहीं कह रही थी। माँ का दिल है, झूठ नहीं बोलता। तुम यहाँ? आपकी बच्ची को वाकई आपके शौहर की महबूबा ने किडनैप किया। तुम्हें तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? ये हुस्ना है आपके शौहर की महबूबा, और इसी ने आपकी बच्ची को किडनैप किया, जिसे आपके शौहर मरवाना चाहते हैं। ये डिजर्व करती है। ये डिजर्व नहीं करती। आपके शौहर अपना गुनाह छुपाने के लिए इसे मिटाना चाहते हैं। तुम इसके बारे में इतना कैसे जानती हो? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से निकलवाया। ये काफी दिनों से अपनी किसी जानने वाले के साथ हॉस्पिटल आ रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी बच्ची को किडनैप करने वाली औरत को क्यों बचाना चाहती हो? क्योंकि ये भी मेरी तरह एक औरत है, जिसे आपके शौहर ने बर्बाद किया। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप अपने शौहर को ये जुल्म करने से रोकें, उन्हें कहें कि अपनी बच्ची लें और इसे जाने दें। मुझसे वो कहो जो मैं कर सकूं। लेकिन देखो महापारा, अगर वो मेरी सुनते तो मैं उन्हें रोक लेती, लेकिन मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी सुनते हैं। इसलिए तुम रोक सकती हो तो रोक लो। चाहती क्या हो तुम? एक तरफ तुम उनकी मदद कर रही हो, दूसरी तरफ बदनाम। इरादे क्या हैं तुम्हारे? इरादे तो तुम्हारे भाई के अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसे मजीद हुस्ना पर कोई जुल्म करने नहीं दूंगी। क्या किया मेरे भाई ने? क्या किया? सिर्फ यही ना कि अपनी बेटी के किडनैपर्स को सजा देना चाहते? उसने बहुत सारी दूसरी लड़कियों की तरह उस मासूम की भी जिंदगी बर्बाद की, जिसके बदले बहुत हंसी आती है ना दूसरों की बर्बादी का सुनकर। मैं तुम्हारी बात पे नहीं हंस रहा, मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि मेरे सुहेल भाई के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? हैं? उन पर हमेशा करप्ट लड़कियां ही इल्जाम क्यों लगाती हैं? कोई शरीफ लड़की उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहती? ये बात जाकर तुम अपने भाई से क्यों नहीं पूछते? हाँ पूछ लूंगा, सब पूछ लूंगा, लेकिन अभी तुम उनके खिलाफ बोलने आई हो ना, इसलिए तुम बताओ
क्या मिलेगा तुम्हें उस लड़की की हिमायत करके? वो भी मेरे ही जैसी एक मासूम लड़की है जिसे तुम्हारी जैसी? हाँ, मेरी ही जैसी लड़की है जिसके। ठीक कह रही हो तुम। मर्दों के पैसों पर पलने वाली औरत तुम्हारी जैसी ही एक लड़की है। फजूली में आकर हॉस्पिटल में तुमने इतनी मेहनत की, अरे मुझसे मांग लेती है। तुम्हारी जैसी उस मासूम लड़की का पूरा बायोडेटा निकाल चुका हूं मैं, बल्कि उसकी पूरी कीमत भी मालूम कर चुका हूं। राय, जबान संभाल कर बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि कल ये हकीकत तुम्हारी भतीजी से मंसूब हो जाए। और हाँ, यहां खड़े होकर अपने भाई की माला जपने से बेहतर है मेरे साथ चलो और चलकर खुद अपनी आंखों से हकीकत देख लो। आगे से राइट लेना है। मैप लेफ्ट बता रहा है। यहां से राइट हैंड लेना है। मैं मैप फॉलो कर रहा हूं। तुम्हारा मैप भी तुम्हारे भाई की तरह गलत ही गाइड कर रहा है। हमें हुसना तक पहुंचना है, उसके लिए इसे फॉलो करना बंद करें। यहां से राइट लें। तुम दोनों यहां पर क्यों आए हो? चले जाओ यहां से। देखो, मेरा हुसना से मिलना बहुत जरूरी है। हम उसकी मदद करना चाहते हैं, उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को किससे खतरा है? वही जिसकी बच्ची को वो उठा कर ले आई है, सुहेल से। वो किसी की बच्ची को नहीं उठा कर लाई। मतलब वो है तो यही ना? नहीं, हुसना यहां पर नहीं है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुहेल और पुलिस रास्ते में, उसकी जान को खतरा है। तुम मुझे मौत से डरा रही हो? मैं तो रोज मरती हूं। हुसना, मेरी भतीजी का है, उसे वापस कर दो वरना। यही तकलीफ मैं सुहेल के चेहरे पे देखना चाहती हूँ। वो तकलीफ में नहीं है, तुम अजियत में आ जाओगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो।
गार्ड, इनको यहीं पर रोक कर रखना। महापारा तुम्हारे पास आई थी? जी। क्यों आई थी? किडनैपर्स की हमदर्दी में। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि वो तुम्हारे पास ही क्यों आई थी? उसे क्यों लगा कि तुम उसकी बात सुनोगी? जो पूछना चाहती हैं साफ साफ पूछे। तो साफ बात यह है कि कल तक तो तुम्हें शक था उस पर, तुम उसे अरेस्ट करवाना चाहती थी, और आज सुबह तुम उसके घर गई, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? तो तुम्हारे आज सुबह उसके घर जाने से लेकर उसके यहाँ आने तक के दरमियान में ऐसा क्या हुआ है कि सारी कहानी बदल गई? चुप क्यों हूँ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आप ठीक सवाल पूछें तो मैं सही जवाब दूंगी। अच्छा, क्या सही सवाल पूछूं मैं तुमसे? आप पूछे मुझसे कि महापारा क्या कह रही थी और वो लड़की फरी को क्यों ले गई है? क्यों लेकर? आपके बेटे से इंतकाम लेने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आपके बेटे की एक और मोहब्बत की दास्तान सामने आ गई। हाजरा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। इसी वक्त वो रायत को अपने साथ उस लड़की से मिलवाने ले गई है। वो किडनैपर कोई और नहीं, आपके बेटे की एक और महबूबा है। क्या अजीम इंसान है तुम्हारा भाई, अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बहन को यहां भेज दिया। फरी मासूम है हुस्ना, प्लीज उसे जाने दो। मासूम? वो तो तुम भी मुझे नजर आ रही हो, मगर इल्जाम तो तुम पर भी लगा था, रिश्वत का। जेल जाते जाते बची थी तुम, यादाश्त अच्छी है ना मेरी? दुश्मनी की वजह से बस अरेस्ट हुई थी। हाँ, तुम्हारे उसी गैरतमंद भाई ने बचा लिया होगा तुम्हें। पहुंच तो बहुत है उसकी। उनकी पहुंच ना होती तो क्या मुझे अरेस्ट करवा सकते थे? तुम्हें सुहेल ने अरेस्ट करवाया था? नहीं, उन्होंने सिर्फ चॉइस दी थी। चॉइस? कैसी चॉइस? जैसे सारी जिंदगी भाई समझा, वो आपकी चादर खींचना चाहे तो क्या चॉइस होती है? क्या सुहेल तुम्हारा सगा भाई नहीं था? लोग कहते हैं नौकर किसी के सगे नहीं होते। तुम बताओ उसना, अपने दिल से बताओ, क्या नौकरों का कोई सगा होता? और मैं तो उनके नौकर की बेटी थी, तो फिर उनकी सगी बहन कैसे हुई? और वो तो अपनी बेटी के सगे नहीं है, तो फिर मैं तो उनके मुंशी की बेटी हूं। और तुम यहां मुझसे उसकी बेटी लेने आई हो? तो तुम उनकी बेटी रखकर क्या करोगी उसना, जिसने तुम्हें नाम का आसरा देकर कीचड़ से निकाला और फिर दलदल में फेंक दिया। एक और हुस्ना बनाऊंगी मैं उसे, जो सारी जिंदगी किसी के नाम को तरसेगी।
मैं तो यहाँ इंसानियत के नाते तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन तुम तो औरत की अजमत से भी इनकारी हो। तुम यहाँ इंसानियत की खातिर नहीं, सुहेल की बेटी लेने के लिए आई हो। हाँ, नंबर बनाने होंगे ना उसके सामने। अगर मैं यहाँ से फरी को बचाने के लिए आती ना, तो मेरे साथ पुलिस आती, मैं अकेली नहीं आती। लेकिन मैं यहाँ वाकई तुम्हें भी बचाने के लिए आई हूँ। ऐसे की मोहब्बत जाग पड़ी तुम्हारे दिल में मेरे लिए? हुस्ना भाई, संभालो इस मुसीबत को। मुझसे तो नहीं संभलती। और तुम चलो अब, कब से मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इस नहुसत को झूले में डालो और अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। और उस निम्मी का तो पता है ना तुम्हें, अकेले उससे मेहमान नहीं संभलते। और बीबी तुम अब यहां से चलती बनो। मैं फरी को लिए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। नीली किधर मर गई, उधर आओ, पकड़ो इसे। और तुम यहां बैठकर अपना टाइम वेस्ट करो और भूल जाओ इसे। हुस्ना वक्त तुम जाया कर रही हो। तुम जानती हो कि यहां सुहेल का भाई भी बाहर मौजूद है। अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की ना, तो वो पुलिस को बुला लेगा। प्लीज अपनी जान बचाने के लिए फरी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी बातों में आके मैं अपना इंतकाम अधूरा नहीं छोड़ सकती। जिंदा रही तो फिर बदला ले लेना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन प्लीज अपने बदले की आग में इस मासूम को मत झोंको। मैं कैसे यकीन कर लूंगी तुम मेरी हमदर्द हो, बताओ। हमदर्द ना होती ना, तो इस जगह अकेले ना आती। तुम जानती हो ना लोग इस जगह को किस नाम से पुकारते। प्लीज उसना मेरी बात मान लो, परी को मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि पुलिस और सुहेल दोनों से तुम्हें बचा लूंगी। पहले मेरी हमदर्द बनकर के अंदर आ गई और मुझे डरा रही हो। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें पागल समझकर अंदर बुला लिया मैंने। हुस्ना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। सुहेल दूसरों के साथ गलत करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता। लेकिन तुमने जो ये अपना बदला पूरा करने के लिए इस मासूम को चारे की तरह इस्तेमाल किया है ना, ये बहुत गलत है। तुम्हें पता है सुहेल बावले कुत्ते की तरह तुम्हारा पता ढूंढ रहा है और तुम्हें हमेशा के लिए खामोश करने का प्लान बना चुका है। तो ठीक है, मार दे, मैं भी उसकी बेटी का काम तमाम करके ही मरूंगी। तुमने अपना हिसाब बराबर करने के लिए बहुत गलत रास्ता चुना है। देखो मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम बच्ची को मेरे हवाले करो, उसके बाद तुम्हें जहां निकलना है जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने सुहेल के साथ कई साल गुजारे, अगर उसे पता चल गया कि उसकी बेटी मेरे पास है तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। जब तक उसकी बेटी मेरे पास है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो वो अपनी बेटी से भी जाएगा। बच्ची को लेकर तुम कहां कहां भागती फिरोगी, कहां कहां छुपाओगी उसे। देखो उसना कहीं ऐसा ना कि तुम सोचती रह जाओ और वहां राहत पुलिस को फोन करके बुला ले। क्यों अपने साथ और अपने जुड़े दूसरों के साथ ज्यादती करना चाहती हो तुम? हुस्ना, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम पर क्या जुनून सवार हो गया? इतनी मुश्किल से काम धंधा सेट किया था और अब तुम्हारी वजह से दोबारा से शहर बदर होना पड़ेगा। अरे तुम इस लड़की से वादा क्यों नहीं ले लेती? ये उस जानवर से तुम्हारी जान बख्शी करवा देगी। हाजरा बेटा, क्यों इस तरह घर में चकराती हुई परेशान घूम रही हो? बैठो, बैठकर हमारे साथ अल्लाह से दुआ करो। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं मांग रही? मैं ये नहीं कहना चाहती। यही मतलब है आपका? सच तो यह है कि एक मैं ही हूं इस घर में जिसको अपनी बच्ची की फिक्र है, वरना आप सब तो दिल ही दिल में खुश है ना कि अच्छा हुआ कि उस बीमार बच्ची से जान छूट गई।
कहाँ थी तुम यार? कब से परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें मैंने बोला था ना कि बाहर मेरा इंतजार करना, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? दो घंटे से इंतजार ही तो किया था मैंने, सफोकेशन होने लगी थी मुझे। तुम्हें पता है यहाँ की औरतें सारी जिंदगी अच्छे वक्त का इंतजार करती हैं और फिर उन्हें मिलते हैं तुम्हारे भाई जैसे लोग जो उन्हें इज्जत से अपनाने का वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। और आपकी दो घंटे में सांस रुक गई। मैंने तुम्हें हजार दफा कहा है कि मेरे साथ ऐसी लफाजी मत किया करो। क्यों मुझे मेंटली टॉर्चर करती हो तुम? बच्ची को लो और निकलो। मुझे सिर्फ फरी की नहीं बल्कि हुस्ना की भी जान बचानी है जिसका तुम्हारा भाई दुश्मन बना हुआ है। अरे तुम शुक्र करो कि मैंने सुहेल भाई को कुछ नहीं बताया वरना वो वाकई उसे कत्ल कर देते। और डैड, डैड तो पुलिस को लेकर आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका है और मना किया है कि सुहेल भाई को कुछ भी मत बताइएगा, लेकिन मुझे पता है वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। किसी भी वक्त पुलिस को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। उनसे कहो अगर उन्हें यहाँ आना है तो अकेले आए, पुलिस को इन्वॉल्व मत करें। शरीफ लोग ऐसी जगहों पर अकेले जाते हुए डरते हैं। मैं भी तो आई हूं ना। मैंने कहा ना शरीफ लोग डरते हैं। बाहर जाओ और वहां जाकर मेरा इंतजार करो। जाओ। हुआ मुझे ये जानकर कि राहिब ने बहुत कम कीमत लगाई है तुम्हारे वक्त की। अगर मैं होता ना तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर तुम्हें हीरो में तोल देता। सुहेल भैया खुदा के पास अब ये भैया इतना कीमती नेकलेस मैंने तुम्हें भैया कहने के लिए तो नहीं दिया ना। कौन सा नेकलेस यार क्या चीज है तुम। ठीक वही नेकलेस जो तुमने हाजरा का चोरी किया था। हाँ लेकिन तुमसे वापस नहीं मांगा। बल्कि मैं तो तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो ना। सुहेल भैया क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कोई नेकलेस चोरी नहीं किया है। अरे यार अब बस कर दो, ये मासूमियत और शराफत का ड्रामा बस कर दो ना। ये एक बेवकूफ़ी की वजह से हम सब मुसीबत में आ गए। मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही समझा रही थी, इस बच्ची को यहाँ लाकर तुमने बेवकूफ़ी की है। अब देख लो अंजाम, ना तुम उसे यहाँ पर लाती और ना ये सब कुछ होता। मुझे इसे यहाँ लाने का कोई अफसोस नहीं है, मैं तो बस सुहेल की आंखों में खौफ देखना चाहती थी और अब उसका पूरा खानदान खौफ से कांप रहा है। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुमसे ये बेवकूफी हो गई है। मैं इस लड़की की बात कर रही हूं, ना मैं उसे अंदर लेकर आती और ना हम सब मुसीबत में आते। खैर होगा तो अभी भी कुछ नहीं, और वैसे भी उस लड़की ने कहा है ना कि वो तुम्हें यहां से निकालने का पूरा बंदोबस्त करेगी। तुम बस यहां से निकल जाओ और यहां की फिक्र मत करो, मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगी। और अगर उस लड़की ने धोखेबाजी कर दी तो?
जी डैड। बेटा क्या पोजीशन है, फरी मिली? डैड पोजीशन वही है अभी तक। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मां पारा अंदर गई हुई है बात करने के लिए। मैं अभी थाने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं नहीं डैड प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, महापारा और फरी दोनों अंदर हैं, और अगर पुलिस आ गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जब कोई दुश्मनी पर उतर आए तो जान देना और जान देना उसके लिए एक बराबर है। देखिए अभी मैं कहता हूँ कि हमें सब्र से थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, पुलिस का ऑप्शन तो मौजूद है ना हमारे पास। कह तो तुम ठीक रहे हो बेटा, इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में जंग चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जगह चलो, मेरे इशारे का इंतजार करना। हुस्ना खोलो दरवाजा। हुस्ना खोलो दरवाजा। तोड़ दे। चेक करो। चंदन की जिंदगी देखकर अब तो मुझे जीने नहीं दे रहे हो। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सोहेल, कहीं का नहीं। मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा? हाँ मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ मुझे अच्छा लगा। ये जो तुम अपनी आंखों में आंसू लाकर मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम एक शरीफ औरत हो, और शरीफ औरत की तरह रोकर मुझे ये जता रही हो कि मैंने एक शरीफ औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ तो मैंने बर्बाद कर दी मैंने बर्बाद। छोड़ दो ना मेरा पीछा, फंसा लो कोई एक और अमीर आदमी जो तुम्हें इससे भी बड़ा घर देगा। हाँ वरना मैं तुम्हें जहां से लाया हूं वहां पर वापस भी पहुंचा सकता हूं। इसीलिए चुपचाप इज्जतदार जिंदगी गुजारो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। सर सारा का सारा घर खाली है, ना गैस की लाइन है ना बिजली की लाइन है, लगता है यहाँ पे कोई नहीं रहता। चलो
मुझे पता था तुम्हारा फोन जरूर आएगा। ठिकाना बदलकर बहुत बेफिक्र हो गई हो ना, लेकिन ढूंढ तो मैं तुम्हें लूंगा। नहीं, बेफिक्र हो गई हो अपने बुढ़ापे का सहारा पाके। वैसे काफी खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। वो बीमार है हुस्ना, उसे वापस कर दो। इलाज करवा रही हूँ उसका मैं। देखो हुस्ना, उसे सांस का प्रॉब्लम है, अगर उसे कुछ हुआ तो। उसे तो और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। सब जानती हो ना, तुम्हारे किसी काम की नहीं है वो। हमारी तो काम की है। देखो ना, हमारे काम में देखने वाली आंख और सोचने वाला दिमाग ही तो दुश्मन होता है, और तुम्हारे जैसे मर्दों के लिए तुम्हारी बेटी तो परफेक्ट चॉइस है। हुस्ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाजरा हाजरा हाजरा, फरी का पता चल गया है। दुआ करो सब सब खैरियत हो, और वो भी खैरियत से हो। लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। राहिद ने तुम्हारे ससुर को फोन करके बताया है। लेकिन सोहेल ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो पूछो ना उससे, वो तो उससे पहले कहा गया हुआ है, वहां वहीं पर होगा। क्या बात है, क्यों कॉल की है? फरी गाय ठीक तो है ना? मिल जाएगी वो, तुम अभी फोन रखो। मिल जाएगी मतलब अभी तक नहीं मिली? हाँ नहीं मिली, मिलेगी तो घर ही लाऊंगा। अब रखो फोन। सीधी तरह क्यों नहीं कहते, अपनी महबूबा को बचाने के लिए आपने मेरी बेटी को गायब कर दिया। आप भी उसी के साथ मिले हुए हैं ना? बकवास मत करो, मैं बहुत लिहाज कर चुका हूँ, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें पता है महापारा खुद उसे ढूंढ रही है। छवि वो उसे मिल भी गई। महापारा को मिल गई? हाँ, राहिद ने पापा को बताया, और वो शायद उसी औरत की तरफ गई है। लेकिन महापारा हुस्ना के पास अकेली क्यों चली गई? वो जगह तो उसके लायक ही नहीं है। नहीं, राहिद को फरी का ख्याल था, इसलिए वो उसके साथ गया। लेकिन अफसोस कि फरी का बाप न जाने कहां बैठा है। राहिद, मगर वो तो अभी कह रहा था कि फरी नहीं मिली। महापारा के कहने पर उसने आपसे झूठ बोल दिया होगा, वरना उसने खुद अभी पापा को कॉल करके सब बताया है। राहिद ने मुझसे झूठ बोला? तुम्हें एड्रेस पता है? एड्रेस अपने भाई से पूछे, मुझे कोई अलार्म नहीं आता। चलो कह रहा था, हुस्ना के एड्रेस मांग रहे थे। हर किस्मत देना, मैं कहां से दूंगी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ही है कि नहीं है, अगर महापारा की बात सच हो गई और उस लड़की को मरवा दिया तो? अच्छा होता कि मरवा देता, दूसरों को तंग करने वालों का यही अंजाम होता है। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी जान पे अजाब कम है जो एक गुनाह का और लोगी अजाब? खुदा के लिए हाजरा, अपनी गुनाहों की माफी मांग लो, तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सच पूछो, मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत डर लग रहा है। देखो तो अपनी गलती मान लो, पहचान लो अपनी गलती को, इसी में तुम्हारी बेहतरी है हाजरा।